सभी पशुपालक भाइयों को राम राम, नमस्कार। आज हम लोग जो है वो काफी इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने जा रहे हैं, और यह जो प्रॉब्लम है वो हर एक डेयरी फार्म पर होती है। इसीलिए वीडियो को जो है वो पूरा अंत तक जरूर देखिए। आपको मैंने कई सारी सॉल्यूशंस जो है यहाँ पर दिखाए हैं। मेडिकल से भी कई सारी आप दवाई यूज कर सकते हैं। इंजेक्शंस के बारे में भी मैंने आपको बताया है, और घरेलू उपचार है उनके बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। इसलिए वीडियो को जो है वो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारी ही चीजें है वो समझ में आ जाएंगी। वैसे तो दो प्रकार के परजीवी जो है वो पशु के शरीर में पाए जाते हैं, आंतरिक परजीवी और बाह्य परजीवी। आंतरिक परजीवी के बारे में मैं अलग से आपको वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन आज का जो वीडियो है वो है बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी जैसे कि जू, मक्खी, मच्छर, चीचड़ वगैरह, जो कि पशु के शरीर के ऊपर रहते हैं और उनका खून चूसते हैं, उन्हें बीमारियां फैलाते हैं। बीमारियां भी आपने देखी होंगी कई सारी, जैसे कि बबेसियासिस, जिसमें जो खून आता है यूरिन में, पशु जब पेशाब करता है तो पेशाब में उसके साथ साथ खून आता है, उसे हम कहते हैं बबेसियोसिस। फिर दूसरे कई सारे रोग हो गए हैं जैसे कि थाइलेरियासिस, एनाप्लाज्मासिस वगैरह वगैरह, जो रोग होते हैं वो एक पशु में अगर होता है तो अगर उसके ऊपर परजीवी बैठेंगे, उनका खून पियेंगे, और फिर वो परजीवी जो है वो अगर दूसरे पशु को काटेगा तो उसमें भी वो रोग फैलाएगा। और ये सारे जो रोगों के बारे में मैंने अभी आपको बताया वो बहुत ज्यादा जानलेवा है, पशु की जान भी इसमें जा सकती है। इसीलिए पैरासाइट कंट्रोल या फिर परजीवियों का नियंत्रण करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है डेयरी फार्म में। एक परजीवी या फिर एक चीचड़ जो है वो एक दिन में 0.5 ml यानी कि आधे ml से लेकर 2 ml तक खून जो है वो चूस सकती है। आप सोच सकते हैं 10, 15 या 20 तो कम से कम होगी ही पशु के शरीर के ऊपर जब भी उन्हें इन्फेक्शन होगा परजीवी का, तो तब आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा खून जो है वो पी जाएंगी। और इन्हीं के कारण खून पशु के शरीर में कम हो जाता है, इसलिए मिल्क प्रोडक्शन जो है वो भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, घट जाएगा, और जो पशु जो है वो बेचैन रहने लगेगा, उसे जगह जगह पर खुजलियां होने लगेंगी। इसलिए मैं आपको इन सभी परजीवियों से छुटकारा पाने का बहुत ही सचोट इलाज आज बताऊंगा। मेडिकल स्टोर से भी कई सारी दवाइयां जो कि आप यूज कर सकते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में जो डेयरी फार्मर है उन तक मेरी वीडियो पहुंचाने में मेरी मदद करें, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करें। और जू चीचड़ जो कि आप पशु के शरीर पर देखोगे वो तो सिर्फ 10% ही आपको देखने को मिलेगी, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा 90% के आसपास जो जू चीचड़ होती है वो एनिमल के शेड में होती है, नीचे मिट्टी में उनके अंडे होते हैं, और जो दीवारें होती हैं एनिमल शेड की, उनकी दरारें हैं, उन्हें उनके जो क्रैक्स हैं वहां पर आपको कई सारी जू चीचड़े देखने को मिलेंगी। ये तकरीबन 90% या उससे भी ज्यादा हो सकती हैं। इसलिए जब आप पशु के शरीर के ऊपर की जो चीचड़े हैं उनका इलाज करें जब आप, तो एनिमल शेड्स को भी जो आप है उसे साफ कर सकते हैं, उन्हें भी आप मार सकते हैं जहां पर भी आपको जू चीचड़ वगैरह दिखाई दे रही है, तो उन्हें भी आपको खास ध्यान देना है। वरना अगर आप पशु के शरीर पर जो सारी चीचड़े हैं उन्हें आप हटा देंगे, फिर भी जो है वो बार बार चीचड़े जो है वो पशु के शरीर पर चढ़ती रहेंगी और उनका खून पीती रहेंगी। इसलिए ये बात भी आपको ध्यान में जरूर लेनी है। हमारे देश की जो देसी नस्लें हैं गायों की, वो है जो है चमड़ी अपने हिसाब से हिला सकती हैं, इसलिए मक्खी मच्छर जो है उनकी परेशानियां उनमें कुछ हद तक कम होंगी। लेकिन जो HF गायें हैं या फिर भैंसे हैं वो अपनी चमड़ी जो है वो अपने हिसाब से नहीं हिला सकेंगी। इसलिए अगर आपका डेयरी फार्म है जहां पर क्रॉस ब्रीड गायें आप रखते हैं तो आपको जो है परजीवी की समस्या बहुत ज्यादा होगी। HF गायों में खासकर परजीवी की समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो अब बात करते हैं कि आप इन सभी बाह्य परजीवियों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। मेडिकल स्टोर पर काफी सारी दवाइयां अवेलेबल है, उनमें से एक है ब्यूटॉक्स। ब्यूटॉक्स जो है उसे आप 1 लीटर पानी में 2 ml दवाई आपको डालनी है और फिर पशु के शरीर पर लगा देनी है। लेकिन मेरी निजी सलाह ये होगी कि आप इन दवाओं का इस्तेमाल ना ही करें तो ही बेहतर है, क्योंकि ये दवा काफी जहरीली होती है। अगर पशु ने इसे गलती से भी चाट लिया या फिर लीक कर लिया तो जो पशु को जो है वो जहर चढ़ सकता है और पशु की मौत भी हो सकती है। इसलिए इन जहरीली दवाओं का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर होगा। फिर दूसरी चीज है वो है आप अपने पशु डॉक्टर को बुला करके इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंजेक्शन का असर जो है वो 2 से 6 महीने तक रहता है। लेकिन इंजेक्शन लगाने में क्या दिक्कत होगी ना, कि अगर आप ड्राई पशु है जो ड्राई पीरियड में है गाय या भैंसे, उन्हें आप देंगे तो कोई बात नहीं है। बैल को अगर आप दे सकते हैं, सांड को भी दे सकते हैं, लेकिन जो पशु मिल्किंग में है जिनका आप दूध खा रहे हैं उन्हें आप ना ही दे, क्योंकि जो इंजेक्शन है जिसमें आइवरमेक्टिन सॉल्ट आता है वो फिर जो है वो दूध में भी आएगा। इसलिए आप अगर उसका दूध सेवन करेंगे तो वो आपके शरीर में भी वो सॉल्ट जो है आइवरमेक्टिन हो जाएगा। इसलिए इंजेक्शन आप ना ही दे तो ही बेहतर रहेगा। इसलिए मैं आपको एक घरेलू इलाज, बहुत बढ़िया घरेलू इलाज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो उपाय है वो तो ये कि आप नीम का तेल जो है उससे पशु के शरीर की मालिश कर सकते हैं। नीम का तेल मेडिकल स्टोर पर भी अवेलेबल होगा,
और अगर आप बनाना चाहें तो उसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। आप निमोली का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, लेकिन निमोली नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, जो नीम के पत्ते हैं उसे कूट कूट देना है, और कूट कर आप जो भी मिनरल ऑयल खाते हैं घर में, सरसों का तेल हो या फिर मूंगफली का तेल हो, उसमें आपको ये सारे कूटे हुए पत्ते हैं उसे डाल देना है और फिर एक बार उसे उबाल देना है। फिर जब तेल ठंडा हो तो उसके बाद आपको पूरे शरीर में पशु के मालिश कर देनी है। इससे जो है वो नीम के जो दुर्गंध आएगी उसके कारण परजीवी जो है वो उस पशु के शरीर से दूर रहेंगे, और अगर पशु इसे चाट लेगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और फिर दूसरा जो उपाय है उसमें भी आपको नीम के पत्तों की आवश्यकता होगी। नीम के पत्ते आपको तो ले लेने हैं और 2 लीटर पानी में उसको आपको उबालने हैं। आप अगर चाहें तो सीताफली के पत्ते भी ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, नीम के पत्तों से ही आपका काम चल जाएगा। नीम के पत्तों को जो है वो आपको काफी देर तक उबालना है, 2 लीटर पानी जो है वो 1 लीटर तक ना बच जाए तब तक आपको उसे उबालते रहना है। और फिर उबालने के बाद जब 1 लीटर यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन बचेगा तब आपको उसमें छान लेना है, और छानने के बाद आपको उसमें 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम आपको उसमें नमक ऐड कर देना है। और अब जो सॉल्यूशन है आपके पास 1 लीटर, उसे आपको डाइल्यूट करना है और उसे टोटल 5 लीटर बना देना है, यानी कि उसमें आपको 4 लीटर पानी ऐड कर देना है। और जो सॉल्यूशन आपके पास 5 लीटर बनेगा वो आपके 10 पशुओं के लिए सफिशियंट है, आपके 10 पशुओं के लिए ये काफ़ी होगा। आप इसे चाहे तो पशुओं के शरीर के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है वो गीले कपड़े से पशुओं के शरीर के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर याद रखनी है कि पशु को जो है इसे लगाने से पहले आपको खाना जो है वो उसे खिला देना है, पानी भी आपको उसे पिला देना है, और जो आप सॉल्यूशन लगाए उसके बाद आपको पशुओं को नहलाना नहीं है, ठीक है। आप अगर नहला देंगे तो यह सारी दवाइयों का जो असर है वो नहीं होगा, और अगर आप ऐसे करोगे तो आपको जो है वो दूसरे ही दिन काफ़ी सारा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और आप पशुओं को जो हो इस तरह से सॉल्यूशन बनाकर हर 10 दिन में एक बार आप पशुओं को नहला सकते हैं। आप देखोगे अगर आप 3 या 4 बार अगर आपने पशुओं को नहला दिया 1 महीने में तो आप देखोगे आपको जो चीचड़ वगैरह से काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आपके डेयरी फार्म पर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो आप फ्लाई ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट पर अमेजोन में भी अवेलेबल है फ्लाई ट्रैप, आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं। और अब बात करते हैं कि एनिमल शेड है वहाँ पर जो चीचड़ के अंडे हैं, लार्वा है, उन्हें आप कैसे नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि लार्वा जो है वो कई हफ्तों या फिर कई महीने तक जो है वो खाए बिना रह सकता है, इसीलिए इन्हें नष्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ पर जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पशु को जो है वो उस वाले एनिमल शेड में 24 से 48 घंटों तक नहीं बांधना है, ये आप चीज़ को उसे खास ध्यान रखिए। या तो फिर आपको जो है वो एनिमल शेड की मिट्टी को 1 या 1.5 फीट तक खोद लेना है और उसमें चूना यानी कि लाइम जो है वो आपको उस मिट्टी में ऐड कर देना है, इसके कारण भी काफ़ी सारे अंडे जो है वो सारे नष्ट हो जाएंगे। आप ये चीज़ भी कर सकते हैं, इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपको कुछ नई जानकारी मिली हो या कोई अगर कुछ नई बात जानने को मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही में अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।